अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। ज्यादा ही हो गया। सो द सीन इज कि अभी हम निकल रहे हैं मरी के लिए, ठीक है। मरी जा रहे हैं भाई, धोखा। जिसने कहा था कि साथ जाना, सबको धोखा। और अब हम जा रहे हैं बस, ठीक है, क्योंकि जाना पड़ता है भाई, शादी हो गई है। एट मियाजी रेस्टोरेंट, जगह पता नहीं कौन सी है। सो लेकिन यहाँ व्यू बहुत अच्छा पीछे का। जो है हुआ जाने भी दे, जाने देना जाने भी दे। सो वी आर एट डुंगा गली राइट नाउ। हमने नाश्ता किया अभी यहाँ से। तो यार एक चीज मैं शेयर करना चाह रहा था आपसे यार, बहुत अच्छी बात है कि ऐसे इलाकों में ऐसे काम होते हैं। मैं दिखाता हूँ, ये मेरे ख्याल से कुरान मजीद की क्लास हो रही है। पूरे पाकिस्तान से आवाम घूमने फिरने आती है, जिनको नमाज का तक का पता नहीं होता, ऐसे इलाके में ये बच्चे बैठ के सर्दी में कुरान पाक पढ़ रहे हैं। सो गाइस वी आर एट मुश्किली टॉप। अभी भी नहीं पहुंचे मुश्किली टॉप, लेकिन हम बहुत थक चुके थे। लेकिन अभी देखो, अच्छा फोटोग्राफर पार्टनर होने का ना बहुत फायदा है। ये मैं एंड पे दिखाऊंगा कि क्या फायदा है अच्छा फोटोग्राफर पार्टनर होने का। काफी मुश्किलात का सामना करने के बाद हम प्लेन ट्रैक तक पहुंच चुके हैं। इतना भी प्लेन नहीं है, लेकिन पहले से जरूर प्लेन है। दिस इज द व्यू हियर। आई लाइक टू बी एजुकेटेड बट आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड। हेलो टू माय लोनलीनेस, आई गेस दैट इग्नोरेंस इज ब्लिस। टेक मी बैक टू बिफोर द न्यू, रिवाइंड, टेक इट आउट ऑफ क्यू। सो वी आर ऑन द वे। यार लोग ना बहुत सुस्त हैं। हम आगे हैं सबसे, हमारे से आगे एक दो लोग होंगे बस। आप लोग बस नेचर की खूबसूरती चेक करें, नेचर की खूबसूरती चेक करें। पाकिस्तानियों ने कितना उसका बुरा असर किया हुआ, सारा कूड़ा क्रिकेट फैलाया हुआ हर जगह पे। सो द थिंग इज हम टॉप पर पहुंच चुके हैं, बस ऊपर वो टॉप है। तो बस मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हम मुश्कपुरी टॉप पर पहुंच चुके हैं। वी आर एट मुश्कपुरी टॉप। दिस इज मुश्कपुरी टॉप एक्चुअली। मेरी बेगम साहब भी मेरे साथ मौजूद है, जो कि मेरे से नाराज हैं। वो कह रही हैं कि मैं बातें नहीं कर रहा उनसे। सो गाइस वी आर एट द मुश्कपुरी टॉप राइट नाउ। मेरे पीछे का व्यू चेक कर सकते हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत दूर दूर है। मैंने पहले भी आपको दिखाई है नीचे। सो गाइस फाइनली हम जो यानी कि हाइकिंग पार्ट था हमने पूरा कर लिया है, वहां से हम नीचे आ गए। अब हमने नीचे डूंगा गली तक जाना है, तो बस हम निकल रहे हैं यहाँ से। भूख से मैडम की जान निकल रही है, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ है। सो गाइस वी आर अगेन एट डुंगा गली। बहुत सारी कोशिशों के बाद हमने अपनी मंजिल तय कर ली है, तो अब हम बस फ्रेश होने यहाँ से। जो है हुआ जाने भी दे, जाने देना जाने भी दे।